नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। INA न्यूज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अफलाक खान, इस वक्त हम कौशाम्बी कस्बा करारी में मौजूद हैं। यहाँ पे MIM पार्टी के मोहम्मद शुएब, जो करारी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, डोर टू डोर ये मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आज हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे पीछे मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप करारी में निकल रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। मेरा कहना है करारी नगर पंचायत की जनता से और आप लोगों से कि देख लीजिए, मेरे साथ हर वर्ग, हर वार्ड, हर मोहल्ले का आदमी मेरे साथ चल रहा है। अभी मैं यहाँ से घर से निकला हूँ तो जो भी रास्ते में मिलता गया मेरे साथ हो चला। ये कारवा ऐसा है कि मैं एक कहावत, एक शेर है कि मैं तो चला था जानिबे मंजिल अकेला ही, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। यह हमारे नगर पर सुहेब भाई, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है करारी में? आज लगभग 30 वर्षों से यहाँ पे चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भाई? मुद्दा हमने आपको बता दिया, हमने सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, कमीशन चोरी का है। ये अगर नहीं होगा तो करारी, हमारी करारी आप समझ लीजिए कि सोने की चिड़िया है। दुबई मॉडल आपने देखा होगा, मुंबई का मॉडल आपने देखा होगा, समझे? करारी उस टाइप का बन जाएगा, भ्रष्टाचार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर वार्ड के लोग आपके साथ हैं, वाकई में जैसे हमारे साथ ये मौजूद है भाई। मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे साथ पप्पू भाई नयागंज से, शरीफ मामू हजरतगंज से, कलीम भाई, सबकी तरफ कैमरा घुमाइए, कलीम भाई हमारे सुरान टोला से, मामू ये हमारे गढ़ई पर से, देख लीजिए हर वार्ड की, ये हमारे इंदिरानगर से भाई, हर वार्ड की जनता हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह करारी जनता हमें पसंद कर रही है, लोग हमारे साथ खुल के निकल रहे हैं, पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों का और इंशाल्लाह मैं जीत रहा हूँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है पप्पू मछली वाला, एक नाम के मुझको जानते हैं। MIM पार्टी से के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है? कैसा इनके अलावा कोई जीत ही नहीं रहा है, आप बात समझे। करारी की पूरी जनता परेशान है, 50 साल का पट्टा बता रहे हैं, 35 साल हो गया है, अब 15 साल और करे पड़ी हमारे नाती पोता का, समझ गए हैं आप सर? इतना भ्रष्टाचार, हर वर्ग का आदमी परेशान है, ये समझ लो। और 35 साल बहुत हो गया, अगर आपकी जनता ने सपोर्ट दे दिया तो सुन लो कि गुलाम हो जाएगा 50 साल और बोल लेंगे। तो ऐसे लोगों को हटाने निकले हैं पप्पू मछली वाले जी। और इंशाल्लाह जिस मार्ट का मैं रहने वाला हूँ वहाँ सौ से डाकने नहीं दूंगा, के सुन लो, 800 मेरा तौफीक पाएगा मोहम्मद शुएब जी। आप सर्वे करके बता देना लोगों को, बहुत भ्रष्टाचार हो गया। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। आप MIM पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, साथ में हैं, कैसा लग रहा है आपको? और इंदिरानगर से ऑलरेडी मैं सभासद चुनाव लड़ रहा हूं जी। आप प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी भी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता, कैसा आपको रिस्पांस दे रही है? तो बहुत अच्छा लगा देख के, मुझे ऐसा इतना यकीन नहीं था कि जितना मैंने देखा 2-4 दिनों में इतनी पब्लिक जुड़ते जा रही है, मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी पब्लिक MIM में जुड़ जाएगी। माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ MIM बहुत आगे चल रही है जी। इंशाल्लाह इस बार चुनाव जीत के भी दिखाएंगे, MIM पार्टी जीत जीत रहा है, बहुत ओटों से जीत रहे हैं। लोगों को ना दिखता हो परेशान क्यों है, हम लोगों को रोका जा रहा है, रुकवा जा रहा है, दिक्कत पैदा की जा रही है। मेरे प्रत्याशी को 2-2 घंटा जी टाइम खराब किया जा रहा है जी, समझ गया ना? जैसा कि आप देख रहे हैं जीतेंगे यही जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं MIM पार्टी भरपूर अपना प्रचार कर रही है और लोगों से डोर टू डोर मिल रही है और सभी वार्ड के लोग भी इनके साथ में हैं, ऐसा कहना है इनका। अब देखना है कि करारी की जनता किसे ज़्यादा लाइक करती है और कैसा रिस्पॉन्स लाती है, 4 तारीख को देखने को मिलेगा। मैं अफलाक खान, कैमरा पर्सन अनवान अंसारी।